फाजिलका की महावीर कलोनी दे विच श्री धाम वृंदावन तो पहुंचे सूरज गोस्वामी जी महाराज अज इस्त्री सत्संग पवन दे विच कीती जाएगी कथा। फाजिलका की महावीर कलोनी दे विच श्री धाम वृंदावन तो सूरज गोस्वामी जी महाराज पहुंचे जिन्हां दे दर्शन करन दे लई इत्थे उन्हां दे श्रद्धालु उमड़े अते उन्हां वल्लों महाराज दे दर्शन दीदार कीते गए। इस मौके ते मीडिया दे नाल गलबात करदे होए सूरज गोस्वामी महाराज ने कहा कि फाजिलका दे विच अज उह पहुंचे हन अते उन्हां वल्लों इस्त्री सत्संग पवन दे विच श्री कृष्ण कथा का गुणगान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फाजिलका वासियों के उद्धार के लिए उन्होंने वालों एक कथा सुनाई जानी है। उन्होंने फाजिलका वासियों इस कथा के पहुँचने की अपील की है। उधर फाजिलका की महावीर कलोनी के निवासी दीवाना वार्ड के निवास से अज महाराज जी पहुंचे सन। उन्होंने कहा कि अज महाराज के दर्शन दीदार करके उन्होंने बेहद खुशी हो रही है। इस मौके पर फाजिलका के कई प्रमुख नागरिक पहुंचे जिन्हों वालों महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कीता गया। जय राधा वल्लभ लाल की। श्री अरवज, मैं सूरज गोस्वामी श्री धाम वृंदावन से सेवायत गोस्वामी श्री राधा वल्लभ मंदिर। आज श्री जी कृपा से आज सभी फाजिलका वासियों के प्यार के लिए श्री जी ने कृपा की और यहाँ धाम में धाम से यहाँ भेजा जी। मैं श्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि श्री जी आप सभी फाजिलका वासियों पर खूब कृपा करें, आप सभी खूब उन्नति करें, श्री जी खूब रस वर्षा करें। ऐसी मैं श्री जी से प्रार्थना करता हूँ। जय राधा वल्लभ लाल की। श्री सर, फाजिलका आने का क्या मकसद रहा आज आपका, इसके बारे में भी जानते हैं। फाजिलका अपने सभी वैष्णव लोगों ने निमंत्रण दिया कि जय जय आइए और कुछ शब्द कहिए, कुछ कथा श्री राधा वल्लभ लाल की यहाँ पर भी सभी को सुना के सभी के जीवन को धन्य करिए। तो सभी के ने आमंत्रण दिया, फिर यहाँ पधारे और आज संध्या को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक स्त्री भवन में एक आयोजन किया गया है जहाँ श्री राधा वल्लभ लाल की महिमा सभी को सुनाई जाएगी। आप सभी फाजिलका वासी श्री राधा वल्लभ लाल की महिमा सुनने के लिए, वृंदावन धाम की रस वर्षा में भीगने के लिए स्त्री भवन आइए और वहाँ श्री जी के सुंदर भाव का आनंद लीजिए। जय राधा वल्लभ लाल की। फाजिलका वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप फाजिलका पहुँचे? फाजिलका वासी ज़्यादा से ज़्यादा अपने श्री धाम से जुड़ें, श्री जी की सेवा पद्धति प्रिया प्रीतम के प्रेम को समझें और उनके जीवन में भी वो प्रेम का आनंद अनुभव हो। जो भी जैसे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय एक हित की संप्रदाय है, वो हित का भाव सभी के अंदर आए। राधा वल्लभ संप्रदाय में कहते हैं कि हित की यहाँ उपासना, हित के है हम दास, हित विशेष राखत रहो चित नित हित की आस। कि हमें हमेशा अपने मन में सभी के लिए प्रेम का भाव रखना चाहिए,
कहीं किसी के लिए भी कुछ गलत भावना आए, कहीं किसी से कोई ऐसी कामना ना रखें कि हम किसी से प्रेम का भाव रख रहे हैं तो उनसे कोई ऐसी अपेक्षा करें कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करें। हमेशा भाव कैसा रखें, निष्काम भाव। कहते हैं कि सबसों हित निष्काम मति, के सबके हित के बारे में सोचो, निष्काम मति रखो। सबसों हित निष्काम मति, वृंदावन विश्राम फिर तवा वृंदावन आओ। कि सबसों हित निष्काम मति, वृंदावन विश्राम और राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। कि सबके मन में वो प्रेम का भाव रहे, प्रेम के भाव के साथ यहाँ रहें, श्री धाम वृंदावन आए और सबके साथ एक दूसरे प्रेम के साथ रहें और श्री राधा वल्लभ लाल का नाम लें और भजन करें। बोले श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री तारी वंश सर की कहोगे, आज महाराज जी तुहाडे पहुंचे आए थे, किस तरह का प्रोग्राम है? बड़े भाग्यशाली हैं जो साडे घरे गुरु जी ने चरण पाए, असि बहुत बहुत मुबारक देने गुरु जी ने जी। की कार्यक्रम की अज गुरु जी का? गुरु जी आए ने, बस 2 साल हो गए प्रोग्राम बनने, अज प्रोग्राम बने तो अज आ गए। अज इन्हों का प्रोग्राम है 5:30 बजे इसी भवन प्रचार करे दर्शन। की अपील करना चाहोगे फाजिलका वासियों को? सारा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करन फाजिलका वाले, साड़ी तो यही कामना है।